पर वाला तो हो गया ना 49, ये वाला फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू में टेंशन की पावर ए मास पर यूनिट लेंथ को आप स्मॉल एम या कैपिटल एम अपॉन में एल भी लिखते हो, बात तो वही पड़ेगी। इसकी पावर बी और इसकी पावर क्या हो गया स्ट्रिंग की लेंथ की पावर सी, टी की पावर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा टी की पावर -1। हटा ले बेटा वहां से, ठीक ठीक है। अब उसके बाद क्या हो, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। हाँ तो स्मॉल एम मैं वही लिखूंगा, डायमेंशन स्मॉल एम को वही लिखूंगा, ठीक है। टेंशन क्या होगा एम एल टी -2 की पावर क्या हो गया ए, ये मास पर यूनिट लेंथ है, एम एल की पावर -1, इसकी पावर क्या हो गया बी और लेंथ की पावर क्या हो गया। इधर हम देख रहे हैं इधर क्या क्या है, एम एल टी सब है, तो इधर एम नहीं है, एम की पावर 0, एल नहीं है, एल की पावर 0, डी की पावर -1। इधर क्या होगा एम की पावर ए एम की पावर बी, तो एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर ए एल की पावर -B, एल की पावर सी, ठीक है। और टी की पावर क्या बेटा -2A। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने इसको और इसको आपस में बराबर कर दिया, तो टी की पावर -2A बराबर में टी की पावर -1, टी से टी कैंसिल हो गया, -2A बराबर में -1, तो ए की वैल्यू आ गई, हाँ आ गई, हाँ ठीक है। एम को एम से बराबर कर दिया, तो एम की पावर क्या है 0, एम की पावर क्या है ए प्लस बी, एम से एम कैंसिल हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई, आपको पता है ऑलरेडी ए की वैल्यू आप निकाल चुके, तो बी की वैल्यू क्या आएगी -8, क्या आएगी आगे बी की वैल्यू -8। और आपको पता है एल की पावर 0 किसके बराबर होगा, एल की पावर 0 बराबर में एल की पावर ए -B प्लस सी, एल से एल कैंसिल हो गया, ए -B प्लस सी बराबर में क्या हो गया 0, ए की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके, कहाँ निकाली भैया हाफ, बी की वैल्यू क्या -1, सी की वैल्यू निकाल लिए, तो देखिए भैया ए ये प्लस हो जाएगा हाफ हाफ एक, तो सी की वैल्यू होगी -1, ठीक है। अब हमने ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखा है, एफ इक्वल्स टू में के टी की पावर ए है और ए की वैल्यू क्या रखी बेटा हाफ, ठीक है। एम की पावर बी है, बी की वैल्यू क्या रखी है और एल की पावर सी है, एल की पावर और सी की वैल्यू क्या रखी है -1। अच्छा देखिए स्मॉल एम दोबारा बोल रहा हूं मैं, स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम अपॉन में एल है, मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये जब सारी वैल्यूज को रखा मैंने, तो एफ इक्वल्स में के क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू में के टी की पावर हाफ है, जो पावर नेगेटिव उसको नीचे ले आओ, तो एम की पावर हाफ और एल की पावर -1 तो उसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है एफ इक्वल्स टू में के एल अंडर रूट में टी अपॉन में एल, ये फॉर्मूला, ठीक है। हो गया आसान था, कुछ नहीं टेंशन फोर्स है, एम एल टी -2 हो गया। अब उसके हाथ लगा कर पागल है सुअर की का, क्या पता मेरा गुस्सा खराब है, मैं पेल पाल दूँ उसको, अच्छा लगे बड़ा बदतमीज लड़का है, बच्चों से बोलने की तमीज नहीं है उसको, छोटे बच्चों से भी ऐसी बात करता है ऐसे कोई गुंडे उंडे से बात कर रहा है। एक बारी पता क्या, एक बच्चा आया था साइकिल लेके, उसकी साइकिल उसके गेट के आगे चली गई थी, उसकी साइकिल उठा करके पड़ने वाले प्लॉट में फेंक दी, बता। वो बच्चा शरीफ था, मैं निकला भाई, मैंने कम से कम 1,000 गाली दी उसको, मैंने कहा बच्चा यार तू बोल सकते जैसे नॉर्मली आके, मैं अपनी औकात लाया फिर चुप हो गया था आराम से, इसलिए बोलता नहीं कि भाग रखा बात बढ़ेगी, पढ़ाई का टाइम खराब होगा मेरा। ड्राइव द एक्सप्रेशन ये हो गया भैया अपना, 51 भी हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका असम्पशन रीजनिंग, अच्छा देखिए असम्पशन रीजनिंग वाला है, पहला नहीं आ सकता और
है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर डबल, फोर्स की यूनिट और लेंथ को हमने क्या कर दिया भैया, डबल कर दिया, क्या कर दिया, द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। तो भैया हम पहले एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2। हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, इफ द अच्छा फोर्स, अच्छा यूनिट ऑफ एनर्जी जो फोर्स कर, अच्छा हो तो क्या एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2, इसको हमने लिख दिया एम एल डी की पावर -2 इंटू में क्या हुआ एल, लिख सकते हो इसे, ये क्या है फोर्स है, और ये क्या है फोर्स को हमने क्या किया है डबल, और लेंथ को भी डबल कर दिया, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। अब ये तो पहले ही थी ना, देखो खैर ऐसा रिलेशन निकालने के लिए, ये पहले हो गया, पहले केस में ये फोर्स है और ये क्या हुआ लेंथ हो गया, ये एनर्जी है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, ये ई वन है, ई टू क्या होगा, हमने फोर्स को डबल कर दिया और लेंथ को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ई टू क्या होगा, 4 जाएगा। अब डिवाइड कर दो दोनों को, फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या आ जाएगा ई टू अपॉन में ई वन, क्या आ जाएगा आपका 4 Fn, 4 Fn और Fn, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, यानी ई टू इक्वल्स टू में 4 टाइम्स ऑफ ई वन, यानी 4 गुना एनर्जी की यूनिट बढ़ गई, ठीक है 4 टाइम्स। द यूनिट ऑफ रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स, तो भैया गलत है असर्शन, ठीक है रीजन गलत है, ठीक है पैलेट्स मेथड ऑफ सेवस है एंड सेकंड डायमेंशन, हाँ ये लिखा हुआ है, कह रहे डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन एनएस सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, कह रहे जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी जो होगा एनएस सेकंड में वो लेंथ का डायमेंशन के बराबर होगा, याद है आपको एनएस सेकंड का फॉर्मूला, यू प्लस ए बाय में 2 एन -1, ये था। तो आपको बता दूं ये वेलोसिटी का डायमेंशन होता है, ये भी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी होता है, अच्छा एक्सीलरेशन, ये 2 नंबर है, ये भी नंबर है, हटा दो, ठीक है एन क्या है नंबर, तो एन नंबर है तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है केवल एक्सेलेशन, मतलब एक्चुअल में डायमेंशनली फॉर्मूला क्या होता है, गलत होता है कि फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन एन एस सेकेंड एज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, नहीं वेलोसिटी का डायमेंशन होता है इसके बराबर होता है, लेकिन यानी डायमेंशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से आ गया, चलो खराब अभी इसको हटता है, टाइम मत खराब करो। अगला क्या कह रहा है, एसएसएन फोर्स एंड प्रेशर कैन नॉट बी एडेड, नहीं बिल्कुल सही बात है, फोर्स अलग है प्रेशर अलग है, दोनों का डायमेंशन अलग है इसलिए ऐड नहीं कर सकते, द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर डिफरेंट, बिल्कुल सही, एसएसएन भी ठीक है रीजन भी ठीक है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसएसएन, इन द रिलेशन एफ इक्वल्स टू 1/12, एफ इक्वल्स टू में अंडर रूट में, जो पीछे अभी मैंने ड्राइव किया था फॉर्मूला, वी आर सिंपल हैज द स्टैंडर्ड मीनिंग मास लीनियर डेंसिटी दैट फ्रीक्वेंसी हैज द डायमेंशन ऑफ इनवर्स ऑफ टाइम, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो टाइम का इनवर्स होता है, बिल्कुल भैया ठीक है, सिंपल है स्टैंडर्ड मीनिंग एम रिप्रेजेंट मास लीनियर मास डेंसिटी, हाँ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो एसर्शन ठीक है रीजन भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। कह रहा है द बिग जी एंड स्मॉल जी हैव द सेम डायमेंशन, गलत है भैया, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता है एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, और स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन होता है, इसका डायमेंशन एल टी -2 आता है, तो दोनों क्या है डायमेंशन अलग अलग, रीजन क्या कह रहा है, जी इज अ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट और स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भैया रीजन ठीक है लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एसएसएन इन अ प्लैंक मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इन क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम इज मेजर्ड
एंगुलर मोमेंटम मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट हैव द सेम डायमेंशन। चलो देखते हैं एक बारी, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है भैया आपका एनर्जी इक्वल्स टू में एच न्यू होता है। एच क्या होगा? हाँ सेम ही होगा, बता दे रहा हूँ मैं आपको, यूनिट, ठीक है। एनर्जी क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस वन। सॉल्व कर लीजिए तो भैया टी की पावर माइनस वन है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू किसका डायमेंशन है? प्लैंक कॉन्स्टेंट किसका है। और एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम आपको बताया था एम वी आर होता है, या आर पी साइन थीटा, तो साइन की वैल्यू तो कुछ ही नहीं, तो आर पी हो गया, पी क्या होता है एम वी, तो आर एम वी आर हो गया। मास का क्या हुआ एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, रेडियस का क्या हुआ एल, तो एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस वन। तो ये क्या कह रहा है? हाँ कह रहा है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक रिलेशन होता है एल इक्वल्स टू में एच अपॉन में टू पाई, याद है बोर पॉस्टुलेट्स, ठीक है। तो उसमें एंगुलर मोमेंटम को हम एच की टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? दोनों का डायमेंशन सेम होते हैं, मतलब एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने भैया? पांच, एक, और इसमें कितने हैं? तीन, याद है ना, इज थ्री, इसमें एक है, हाँ बिल्कुल सही है, एसर्शन ठीक है। देयर इज बिकॉज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है भैया। तो भैया ये रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि जीरो टू द राइट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, और जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट है, ठीक है ये बताता हूँ। फिर क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ एल सी इज सेकेंड स्क्वायर, वेयर एल इज द इंडक्टेंस, सी इज द कैपेसिटेंस, द रिलेशन बिटवीन, ठीक है भैया ये रिलेशन तो ठीक है, वैसे नहीं आएगा, एल मतलब इंडक्टर होता, सी मतलब कैपेसिटर होता, ट्वेल्व के टॉपिक है तो ना के बराबर यानी कि समान है, क्या करें बेटा रहे हैं? करा दू केस स्टडी। देखिए भैया केस स्टडी में कुछ नहीं होता, कभी केस मत पढ़ना, केस स्टडी में आपको केस पढ़ना ही नहीं है, सीधा आंसर पे आओ, ठीक है। टाइम खराब होता, 2 मिनट खराब हो गए, 2 मिनट में दो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, पढ़ना पड़ा क्या आपको? ऊपर से सारे आंसर दे दूंगा ऐसे खड़े खड़े। कह रहा है द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या हुआ? तो कुछ नहीं करना भैया, इसमें थोड़ा सा लेंथ ही आएगा कि भैया क्या है कि मास फोर्स का डायरेक्टली है, मास वेलोसिटी का डायरेक्टली है, और मास टाइम का डायरेक्टली है। क्या हुआ? एम इज इक्वल्स टू मे के एफ की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टी की पावर सी, एम सबका डायमेंशन लिख दो, एम इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा फोर्स का, एम एल टी माइनस टू की पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर बी, और टाइम की पावर टी की पावर सी। अब इधर देख रहे हो आपका एम एल टी तीनों है, तो इधर लिख दो, एम है एल जीरो है टी जीरो है, इसको क्या लिखो, एम की पावर ए, बस एल की पावर ए भी है, एल की पावर बी भी है, और टी की पावर माइनस टू ए है, टी की पावर माइनस बी, और टी की पावर, यहां से एबीसी की वैल्यू निकालोगे, निकल गई। अब एबीसी की सारी वैल्यूज को यहां पर रखो, ठीक है, तो आपका जो भी आएगा, मान लो ए की वैल्यू दो आएगी, बी की वैल्यू एक आई है, सी की वैल्यू एक आई है, तो आप यहां पर रखोगे एम इक्वल्स टू में के एफ की पावर दो, वी की पावर एक, और टी की पावर एक, आ गया। अब डायमेंशन लिखना है इसका, क्या लिखना है? तो एम का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स में के नहीं आएगा, के कांस्टेंट होगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसे हटा दो, बाकी सब ऐसे लिख दो, एफ स्क्वायर वी की पावर वन टी की पावर वन, ये आंसर है। समझ गए, समझ गए, इस तरीके से करना होता है, ठीक है। फिर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द डिफरेंट डायमेंशन, इनमें से किसका डायमेंशन? तो भैया प्रेशर यंग मॉडल का डायमेंशन सेम होता है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, हीट वर्क का डायमेंशन सेम है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनका डायमेंशन अलग अलग है, वैसे तो आपको पता ही आएगा ही ये चीज, क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डाइपोल मोमेंट आप जानते नहीं हो तो क्या पूछेगा? ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बी बी किससे माइनस हो रहा है, एक्स से, तो इसका मतलब बी और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम हो, तो बी का डायमेंशन क्या होगा एल स्क्वायर। तो आप देखिए आपको क्या निकालना है, ए का डायमेंशन भी निकालना, तो आप काम करें प्रेशर बी का डायमेंशन हमने क्या निकाला है, एल स्क्वायर
एक्स का भी डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, नीचे क्या है ए और टी ना, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर ए टी। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल की पावर माइनस वन डी की पावर है, क्या प्रेशर है पावर है, पावर का डायमेंशन होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में, तो एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू अपॉन में टाइम, तो एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस थ्री, एल स्क्वायर और क्या हुआ ए टी। तो यहां से आप ए का डायमेंशन निकालो, ए तो ए को उधर लिया और इसको पूरा उधर लिया आ जाएगा, तो उधर गया। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम इन विच, आपको 100 जूल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक नया सिस्टम है जिसमें लेंथ क्या है, मास क्या है, और हाफ मिनट यानी 60-30 सेकेंड के बराबर आ रहा है, कैसे करेंगे। तो मैंने कहा भैया 100 जूल में एन टू नया सिस्टम है, तो एन टू की वैल्यू क्या होगी, 100 जूल डिवाइड बाय न्यू सिस्टम, 100 जूल का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर डी की पावर, न्यू सिस्टम का भी डायमेंशन यही होगा, बस यहाँ पे वन वन लगा देना, यहाँ पर टू 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 लगा देना, ठीक है। एन टू इक्वल्स टू है 100, एम वन क्या है, एम के सिस्टम है, जूल एम के में होता है, एम के में मास क्या होता है किलोग्राम, लेकिन नया सिस्टम का मास क्या होगा, 250 ग्राम, 250 ग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं। एल वन जो है वो एम केस की लेंथ है, एम केस की लेंथ क्या होती है मीटर, और नया सिस्टम में जो लेंथ है वो क्या है 20 सेंटीमीटर, और जो टाइम है वो क्या है भैया सेकेंड एम केस में, और ये क्या होता है 30 सेकेंड के, ये हाफ मिनट बोले तो सोल्व कर लोगे, एंटो की वैल्यू आ जाएगी, नंबर है देख लेना कहीं पे मैच कर जाएगा, पढ़ना पड़ा मुझे हो गया, और कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं होता आपसे, समझिए वंडर वाली क्वेश्चन करा दिया भैया, नहीं करा रहा मैं, साले कितनी बार करा दूं, 2 मिनट पहले तो कराया था, कुछ नहीं है, केस स्टडी पढ़ना ही नहीं अपने को, ठीक है रिलेशन देख लिया हमने, ये है कह रहा द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला बी इज सेम एज बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा V के, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इज सेम एज, तो ए का डायमेंशन आपको पता है पी बराबर में ए अपॉन में ए बाय में वी स्क्वायर, तो ए का डायमेंशन किसके बराबर होगा पी वी स्क्वायर के, किसके बराबर होगा पी वी स्क्वायर का, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन में ये पता नहीं किसके, कराऊं कैसे आर टी, सुन तो ले, आर टी का डायमेंशन वही होगा जो इनका डायमेंशन होगा, आर और डी का डायमेंशन आपको निकालना नहीं अलग से, प्रेशर का डायमेंशन क्या है एम एल टी माइनस, अच्छा एक काम करूं आपको पता है ये दोनों जुड़ेंगे तभी जुड़ेंगे जब इनका डायमेंशन क्या होंगे सेम होंगे, यानी ये पूरा डायमेंशन किसका होगा प्रेशर का, ये पूरा डायमेंशन किसका होगा वॉल्यूम का, तो आर डी का डायमेंशन किसका होगा प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर, ये पूरा देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या है प्रेशर है, और ये दोनों क्या है वॉल्यूम, प्रेशर डायमेंशन एम एल टी माइनस माइनस टू, और वॉल्यूम क्या होता है, तो आ गया आर डी का डायमेंशन, ए और बी का आपने निकाल लिया ऑलरेडी, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद आप दोनों को डिवाइड कर देना, क्या निकालना ए बी अपॉन में आर डी आ जाएगा, द एनर्जी ऑफ द सेम एज दैट पीवी जो होता है आपका बता दू भैया पी इंटू में वी, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम जो होता है वो हीट होती है, क्या होती है या एनर्जी भी लिख सकते हो, कौन सा है पीवी का डायमेंशन, देखिए आपको पता है आरटी किसके बराबर है पीवी के, आरटी किसके बराबर है, तो आरटी का डायमेंशन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है वर्क या एनर्जी, तो इसका मतलब आरटी का डायमेंशन क्या होगा एनर्जी के बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा आरटी, देखिए सुन लीजिए इसमें ध्यान दिए, मैंने क्या लिखा इसमें पी प्लस वी स्क्वायर अपॉन में ए था ए स्क्वायर अपॉन वी था जो भी था, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे प्रेशर, और V माइनस B मिलकर क्या बनेगा वॉल्यूम, वो किसके बराबर रहेगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो एनर्जी होता है, क्या होता है, तो आर डी का डायमेंशन किसके बराबर होगा एनर्जी के, तो डायमेंशन फॉर्मूला में आर सी नॉट का आर सी इज नॉट सेम एज दैट, इसका डायमेंशन के बराबर होगा, मैच करा लेना यार डिवाइड करना, समझ गया, एरर के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये खत्म, ठीक है।
एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो भैया मिली सेकेंड, ठीक है, बाकी सब डिस्टेंस की यूनिट है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी, तो वाई क्या है, डिस्टेंस है, तो इनमें जिसका भी डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है भैया, पहला डिस्टेंस नहीं है, टाइम का है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का है, तीसरा मास का है, चौथा हम तो आगे लेंगे, कोई सा भी नहीं मैच कर रहा। वाई का फॉर्मूला जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस किसी के नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, गलत है। अच्छा ओमेगा का पूछ रहा है, तो ओमेगा थीटा अपॉन में टाइम होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन में टाइम, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम होता होगा टी, टी ऊपर गया तो टी की पावर -1, मैच करा लो, बी ऑप्शन। डायमेंशन फॉर्मूला क्यूरी पता ही नहीं तुम्हें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, फॉर्मूला हो गया, मतलब हो गया हो गया हो गया, ठीक है भैया। मोशन इन 1D, अब ये मीटिंग तो पूरी कर लेते यार पागल, कर जाके क्या करेगा, ठीक है। मोशन इन 1D, जब बॉडी चलती है और केवल वहां पर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या तो एक्स या वाई या जेड, तो उसे हम 1D मोशन कहते हैं। रेस्ट क्या होता है, जब बॉडी चले ना, जिसकी पोजीशन चेंज ना हो, 1D 2D मोशन दे रखी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन पता ही है, एसआई यूनिट पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन वगैरह पता ही है, ठीक है। कंपैरिजन ये पढ़ लेना, ये काफी अच्छा है, ये पढ़ लेना, लिखा रखा है आपको मैंने, स्पीड एंड वेलोसिटी जानते हो, ये भी 100 बार बता रखा है, आते सीधा क्वेश्चन। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप 0 है, इसका मतलब बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, क्या है, सीधा रेस्ट का बना दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ में केवल टाइम नहीं बीत रहा, केवल पोजीशन बढ़ रही है, तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, टाइम बीत ही ना, केवल क्या चेंज हो रही है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है। पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्राफ का अगर स्लोप यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, देख लीजिए। पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ का स्लोप लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सिलरेटेड मोशन है, कैसी है, पोजिशन टाइम ग्राफ में ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब रिटार्डिंग मोशन है, ठीक है, और पोजिशन टाइम ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा है ये देखिए, तो आप पहले क्या, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी, बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, उसके बाद ए से बी में घट गई लेकिन कॉन्स्टेंट रही, बी से सी में क्या हुई, वेलोसिटी कम होने लगी, ठीक है भैया, और उसके बाद आके जीरो हुई, ठीक आगे बढ़ो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ देखिए, वीटी ग्राफ में अगर आपका स्लोप 0 है, मतलब पैरेलल है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वीटी ग्राफ में अगर आपका स्लोप 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, समझ गया, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वीटी ग्राफ में अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो भैया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वीटी ग्राफ ये कहां से आ गया, इसमें ये सब उसके है, हटा, ये तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना मैंने 1000 बार बता रखा है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाए। इसमें एक्चुअल में सेकंड थर्ड चैप्टर एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है, इसलिए आपको प्रोजेक्टाइल भी दिखेगा, जो कि हम पढ़ाने वाले नहीं है। प्रोजेक्टाइल मतलब शाम को पढ़ाऊंगा ना, ये सारा प्रोजेक्टाइल होगा, सबकी थ्योरी पढ़ा रखी है मैंने, इसकी इससे थ्योरी पढ़ लेना, इससे थ्योरी भी आसान से आपको रिवीजन हो जाएगा। एनसीआरटी की लैंग्वेज होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, ये भी सारा बता रखा है। अबे बैंगिंग ऑफ द रोड भी कर दिया, पागल हो गए, एनसीआरटी से करेंगे शाम को, छोड़ो बहुत ज्यादा, बता दूंगा टाइमिंग, 5 बजे है, छोड़ो।